टेने तो जी हाँ, मैं हूँ मुस्तफ़ा अली। जी हाँ, मुस्तफ़ा अली। तो मैं आज यहाँ पे क्यों आया हूँ, तो मैं अपने फैंस को बताना चाहता हूँ जो कि मेरे बारे में गलत सोचते हैं। वो समझते हैं मैं एक पाकिस्तानी हूँ, तो मैं पाकिस्तानी भी नहीं हूँ, मैं इंडियन भी नहीं हूँ और मैं कैनेडियन भी नहीं हूँ। तो मुझे खुद भी नहीं पता आज तक कि मैं कौन से कंट्री से बिलोंग करता हूँ। ये तो टट्टी है। तो आखिर क्यों हूँ मैं WWE में, मुझे बुक भी अच्छा नहीं किया जा रहा, तो आखिर क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे एक आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जाता है WWE के अंदर। रेट्रीब्यूशन बनाया गया, मुझे पुश तो दिया गया, मगर वहाँ पे मेरा कचरा ऐसे किया गया, लीडर के तौर पे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया। हालांकि मेरी इतनी औकात नहीं थी, मगर फिर भी मुझे रेट्रीब्यूशन के लीडर के तौर पर, शायद रेट्रीब्यूशन के बारे में WWE के प्लान कुछ और थे, इस वजह से तब एंड में जाकर उन्होंने सारे प्लान चेंज कर दिए और कोई लीडर नहीं मिला, तो इसी वजह से रेट्रीब्यूशन का लीडर हमें क्या कौन देखने को मिला? मुस्तफ़ा अली। कौन? मुस्तफ़ा अली। भाई ये क्यों है, इसको जाना चाहिए। कितनी मरतबा इसको मैंने कहा है तुम जाओ, इसको कमेंट करके कहा है, मैसेज किए हैं, तो कहा है भाई जाओ, तुम्हारी यहाँ पे जगह नहीं है। तुम्हारे से सिजारो भी अच्छा है, बड़ी मर्फी भी अच्छा है कि वो चला गया AEW के अंदर, तुम्हारी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। तुम्हें बुक किस तरीके से किया जाता है, बिल्कुल बेकार तरीके से। इंडियन फैन से मैं कहता हूँ मैं इंडियन हूँ, पाकिस्तानी फैंस से कहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, और कैनेडियन से कहता हूँ मैं कैनेडियन हूँ, और USA के फैंस से कहता हूँ मैं USA का हूँ। तो आखिर मुझे खुद पता नहीं है मैं कहाँ का हूँ, सिर्फ मैं इस दुनिया का हूँ। तो और मैं सिर्फ बड़ी बातें करता रहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, सिर्फ बड़ी बातें करता रहता हूँ, उसके बाद मेरी जो है हवा फुस हो जाती है, सिर्फ हवा में तीर चलाता रहता हूँ और कुछ भी नहीं करता। तो शायद मेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे WWE में, और बहुत जल्द मैं AEW में जा सकता हूँ, मगर WWE वाले मेरे को छोड़ते ही नहीं हैं, तो यही मसला हो रहा है भाई। तो फ्रेंड्स, ये था मुस्तफ़ा अली के बारे में सच, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी न्यूज़ अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग रेस्टिंग स्टार्स न्यूज़ एट ऑन डाउन।